या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों बसंत पंचमी आ रही है। माँ सरस्वती की आराधना का प्रमुख दिन होता है बसंत पंचमी। इस बसंत पंचमी मेष से लेकर मीन राशि वाले हमारे विद्यार्थी भाई बहनों को कौन से उपाय करने से उन्हें बहुत शानदार अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से धन की देवी लक्ष्मी होती है, जिस तरीके से रिद्धि सिद्धि के देवता श्री गणेश होते हैं, उसी तरीके से ज्ञान और बुद्धि के कारक होते हैं हमारे माँ सरस्वती। 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी का महापर्व है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और इस दिन जो लोग विद्या की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं वो माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में विद्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर व्यक्ति के जीवन में या हर स्टूडेंट के जीवन में विद्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन अलग अलग राशि वाले जातक किस तरीके से माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, उनसे विद्या का अच्छा एक सुख प्राप्त कर सकते हैं, विद्या का आशीर्वाद माँ सरस्वती से ले सकते हैं। वैसे उपाय के तौर पर अगर देखा जाए बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड उपाय लेकर आया हूँ जिनको करने से आपको बहुत ज़बरदस्त फायदे अवश्य ही प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गोचक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वाले जो विद्यार्थी गण जो हमारे छोटे भाई बहन है, उनको क्या उपाय करने चाहिए जिसकी वजह से सरस्वती माँ को मना सके और अपने जीवन में विद्या का सुख अर्जित कर सके। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को बसंत पंचमी के दिन एक सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती को आप लाल कलर के पुष्प अर्पित करें। सरस्वती कवच आता है, उसका अगर आप पाठ करेंगे मेष राशि वाले भाई बहनों, तो आपको बुद्धि की प्राप्ति होगी, विद्या सुख की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपको एकाग्रता में कमी है तो आप मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन में माँ सरस्वती का ध्यान कर उनके बीच मंत्र ओम सरस्वती नमः इसका आप जप करिए, आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें हमारे दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि को क्या उपाय करना चाहिए, वृषभ राशि के जो हमारे भाई बहन स्टूडेंट जीवन में है, विद्यार्थी गण है, उनको क्या उपाय करना चाहिए माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए। वृषभ राशि के जातकों को सफ़ेद चंदन की माला जो है माँ सरस्वती को अर्पित करनी चाहिए। आप चाहे तो अपने मस्तक पर डेली सफ़ेद चंदन का उपयोग कर सकते हैं तिलक लगाने के लिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सफ़ेद कलर के फूल अगर आप माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेगी। ऐसा करने से आपको ज्ञान की बढ़ोतरी मिलेगी, ऐसा करने से आपके विद्या सुख में बढ़ोतरी होगी, साथ ही जो समस्याएँ हैं उनसे आपको राहत मिलती नजर आएगी। वही बात करेंगे मिथुन राशि के भाई बहनों, विद्यार्थी भाई बहनों को क्या उपाय करना चाहिए माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए। मिथुन राशि के जातकों को माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए हरे रंग का पेन जो है उन्हें गिफ्ट करना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर विशेष तौर पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, उस पेन को जब आप चढ़ाते हैं और जो सारी पूजा अर्चना होती है उस पूरे पूजा अर्चना में वो पेन चरणों में ही पड़ा रहना चाहिए। जैसे ही पूजा अर्चना समाप्त होती है आप उस पेन को ले लीजिए और जीवन के जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जीवन में जिस जगह आपको साइन करने होते हैं, जो परीक्षाएं आप देना जा रहे हैं, उसमें उस पेन का उपयोग करें। ब्लू कलर का भी हो सकता है, उसमें उस चीज़ का आप उपयोग करें, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेगी। और यहाँ पर मैं विशेष तौर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, हरे कलर के पुष्प अगर आप अर्पित कर सके माँ सरस्वती को तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो धूप होती है जो गणपति महाराज को चढ़ती है वो धूप भी अगर आप वहाँ पर चढ़ा देंगे उनके चरणों में तो भी आपको आशीर्वाद माँ सरस्वती दे जाएगी। यही अगर बात करें कर्क राशि के भाई बहनों के लिए, उनको क्या उपाय करना चाहिए, कर्क राशि के भाई बहनों से कहना चाहूँगा, माँ सरस्वती को अगर आप चाहें तो बसंत पंचमी के दिन
खीर का भोग लगा सकते हैं, सफेद कलर की चीजों का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप भोग लगाइए। संगीत क्षेत्र से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो ऐसा करने से आपको बहुत जबरदस्त फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। या फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सफेद कपड़ों से रिलेटेड कोई भी आप श्रृंगार वगैरह माँ सरस्वती का करिए, आपको शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। यही अगर बात करें सिंह राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करना आवश्यक है इस बसंत पंचमी, जिससे उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो, तो सिंह राशि वाले जातकों को गायत्री मंत्र का जप करना आवश्यक रहेगा। और विशेषकर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लाल कलर के पुष्प आप जो है माँ सरस्वती को अर्पित करें, आपके लिए शुभता रहेगी। और विशेष तौर पर एक उपाय आप जबरदस्त तरीके का बता रहा हूं, गुड़ का भोग जो है आप माँ सरस्वती को लगाइए, शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उस गुड़ को भक्तों में बांट दीजिए, जो भी आपके विद्यार्थी सदस्य है, विद्यार्थी मित्र गण है उनके सामने। यहाँ पर यह उपाय आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर आएगा सिंह राशि वालों। वहीं अगर बात करें कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनको माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त हो, कन्या राशि वाले जातकों को कहना चाहूंगा, आप जो है माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए पेन पेंसिल कॉपी किताबें जो भी चीजें होती है स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं उनको माँ सरस्वती के चरणों में रख दीजिए। उनको लेकर आप जो गरीब लोग हैं जो इन चीजों को परचेज नहीं कर सकते उनमें आप उस चीज को बांट दीजिए। ये क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, जितना आपका बजट अलाउट करे उतनी क्वांटिटी आप ले लीजिएगा। इससे आपका बुध भी अच्छा होगा और बसंत पंचमी के लिए माँ सरस्वती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ये उपाय बहुत जबरदस्त कन्या राशि वालों आपको मैंने बताया, पढ़ाई की समस्याओं को परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत शानदार अचूक उपाय है। वहीं अगर बात करें तुला राशि वाले जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, तो तुला राशि वाले जातकों को एक चीज कहना चाहूंगा, जो ब्राह्मण माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हो बसंत पंचमी के दिन, उनको आप सफेद कलर के वस्त्र दान करें, अर्पित करें, भेंट करें। और अपनी एजुकेशन लाइन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुला राशि वाले जातकों को कहना चाहूंगा, इत्र जो होता है वो आप माँ सरस्वती को अर्पित कीजिए। उस इत्र को आप डेली अपने जहां भी आप जैसे एजुकेशन के लिए जाते हैं थोड़ा सा आप अपने शरीर पर उपयोग कीजिए, व्हाइट कपड़ों का उपयोग आप ज्यादा कीजिए, आपको जीवन में अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, आपको अपने एजुकेशन लाइन से बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और जो इत्र आप माँ सरस्वती को अर्पित करते हैं, आप चाहे तो गुलाब का इत्र भी अर्पित कर सकते हैं, आप चमेली का, आप मोगरे का, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, अच्छी चीज खुशबू पसंद आए, वह आप इत्र माँ सरस्वती को अर्पित कीजिए और उसे डेली अपने कपड़ों पर लगाइए थोड़ा थोड़ा करके। आपके लिए एक चीज सबसे अच्छी ये होगी कि आप जिस तरीके से इस इत्र का उपयोग करते जाएंगे उस तरीके से ही आपके जीवन में आपको एजुकेशन लाइन में बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अपने एजुकेशन लाइन में देखने को मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप विद्या सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लाल कलर की मिठाई का भोग माँ सरस्वती को। और विशेष तौर पर एक चीज कहना चाहूंगा, लाल कलर का पेन आप अगर सरस्वती माँ को अर्पित करते हैं वो भी आपके जीवन में अच्छी चीजें लेकर आएगा। और उस पेन का उपयोग अपने जीवन के मुख्य निर्णयों में आपको लेना चाहिए, परीक्षा देते समय, या फिर आप उस चीज का किसी साइन करने के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, वो आपके जीवन में आपका बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। वहीं अगर बात करें धनुराशि वाले जातकों के लिए, तो धनुराशि वाले भाई बहनों के लिए कहना चाहूंगा, माँ सरस्वती को अगर आप पीले रंग की कोई मिठाई अर्पित करते हैं ये आपके लिए जीवन में अच्छी चीजें लेकर आएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको जबरदस्त तरीके से प्राप्त होगा और साथ ही आपकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में माँ सरस्वती आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदेमंद साबित होंगे। यहाँ पर मकर राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को, भाई बहनों को क्या उपाय करना चाहिए बसंत पंचमी के दिन विद्या का सुख प्राप्त करने के लिए। मकर राशि वाले जातकों से कहना चाहूंगा, अगर आप जीवन में विद्या का अखंड सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो कोई भी सफेद कलर का अनाज आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उस अनाज को आप जो है किसी गरीब, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। ये इतना करने मात्र से माँ सरस्वती की आपके ऊपर अखंड कृपा प्राप्त होगी और आपको जीवन में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। और सरस्वती जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी आगे चलकर आती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर बात करें कुंभ राशि के भाई बहनों के लिए कि उनके लिए क्या उपाय करना आवश्यक रहेगा, कुंभ राशि के जातकों से एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी आप एजुकेशन से रिलेटेड वस्तु ले लीजिए, जैसे कि बैग हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कॉपी हो सकती है, किताब हो सकती है, उसे आप माँ सरस्वती के चरणों में आप अर्पित करें और उस चीज को आप किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर लीजिए और माँ सरस्वती को आप हरे कलर की मिठाई का भोग लगाइए, आपके लिए अच्छी चीजें रहेगी। यहाँ पर यह उपाय आप अगर करेंगे तो आपके जीवन में शनि का प्रभाव कम होगा और विशेष तौर पर आपके
दान करने से बुध की स्थिति अच्छी होगी और आपको जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होगी। मीन राशि के भाई बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने जीवन में विद्या का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो पीले कलर के वस्तुओं का आप दान करें और पीली चीजों का आप माँ सरस्वती को अर्पित करें। पीले वस्त्र आप माँ सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। ये करने मात्र से आपके जीवन में, आपके करियर में आने वाली समस्याएं दूर होती नजर आएगी। माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जप करें और डेली 5 मिनट मेडिटेशन करिए अपने जीवन के, और फिर आप पढ़ाई में अपना मन लगाइए। आप देखिए आपको जीवन में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। मेडिटेशन किस तरीके से करना चाहिए, मेडिटेशन से क्या फायदे होंगे, किस तरीके से करने से अच्छा बेनिफिट होगा, ये अगर सारी चीज़ें आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। और विशेष तौर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करवा कर आपको बताएंगे कि कौन सा आपका 5th लॉर्ड है जिसका आप अगर मेडिटेशन करते हैं, जिसका बीज मंत्र आप जपते हैं, उससे आपको ज्ञान और शिक्षा की अच्छी प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही मेडिटेशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियोस मैं हमेशा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।